नमस्कार। डोगरी खबर दिस बुलेटिन च मैं रेखा मनासा उन लोगों पर इस वेले दे लेखे जोखे पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें अज पुलिस अधिकारियों की गलाया कि कश्मीर च हालात थमां निपटने तई सचेत रहन। उन्हें आखिया कि पुलिस एक ऐसा संस्थान रही है कि जे आवाम च भरोसा बनी रवे। मुख्यमंत्री होरें यह गल श्रीनगर च पुलिस अधिकारियों के एक दल कन्नै गलबात करते हुए गलाई। ये अधिकारी कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम भी KPS च भी एक्सटेंड करने ताई मुख्यमंत्री उंदा आभार जताने ताई उंदे कन्नै मलाटी करन आए दे हे। उन्हें आख्या कि पुलिस की बुजुर्गें ते कम्युनिटी नेताएं तोड़ी पुजना पो कि जे युवाएं की गलत रस्ते उपर जाने थमां रोकिया जाई सके। जिला सांबा के बॉर्डर इलाके च अज चार संदिग्ध दिखने उपर कठुआ के हीरानगर सैक्टर के आले दुआले के इलाके च गगवाल पुलिस तरफा सैक्टर उपर चलाया गया एक सर्च ऑपरेशन। तुआई की जानकारी के मुताबिक इलाके च चार संदिग्ध सिपाही के यूनिफॉर्म च घूमते लभे। तुआई खबर थोई है कि पुलिस आसिया थारे थारे उपर नाके लाए गए थे ते पूछताछ की जा करती है। IGBSF जम्मू राम अवतार होरें इस बारे मती जानकारी दी। सभी को अलर्ट कर दिया गया, नेबरिंग BOPs पुलिस एंड आर्मी अथॉरिटीज़ को। उसके बाद से फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है, एरिया का सर्च चल रहा है। सो फार अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। सस्पिशियस मूवमेंट तो जो द पर्सन हु इज देयर ऑन द ड्यूटी पॉइंट ही हैज सीन दी सस्पिशियस मूवमेंट। मैरिजेज आर गोइंग ऑन, लाइक मैरिज फंक्शन वॉज देयर इन द बोबिया, सो इट वॉज ए सस्पिशियस मूवमेंट एंड देन ही अलर्टेड एवरीवन एंड दैट्स हाउ द ट्रूप्स आर डिप्लॉयड इन द एरिया and the search of the area is being every unit and everyone has been alerted. So koi breach of fence ya kuch aisa there is no breach of the fence, jo the entire fencing has been seen, there is no breach of. कठुआ गैंगरेप के मर्डर मामले के लिए 16 मई की सुप्रीम कोर्ट तरफ एक गवाहें दे बयान रिकॉर्ड करके गिंजे उनका आखना है कि पुलिस दे दबाव कने उनके कोला बयान लेते गए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ते जस्टिस AM खान विलकर ते जस्टिस DY चंद्रचूड़ और बुधवार की साहिल शर्मा ते और गवाहें दे बयान की सुनने की मंजूरी दी है। पूर्व मंत्री लाल सिंह होरें आख्या है कि कठुआ रेप ते मर्डर केस की CBI की सौंपने ताई वह 20 मई की एक रैली करा करते हैं। उनका आखना है कि लोगों का इस रैली च हिस्सा लेना लोड़दा है कि जे इस कांड के असली मुजरम फड़ोई सकन। सच सामने आ चुका है, अब शर्म आ रही है उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे यहाँ के लोगों के मुंह पे कालक लगाने की कोशिश की। अब कालक बड़ी स्पीड से वापस चली गई है। अब उनके गोरे मुंह जिन जिन के हैं वो बड़े काले दिखना शुरू हो गए, धुंधले दिखना शुरू हो गए। जिन्होंने कहा कि CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बताएं CBI ये क्या पाकिस्तान की एजेंसी थी, ISI थी क्या, वो मंगी है क्या, हिंदुस्तान की मांग की है ना कि हमारे गलत लोग ना फंसें और सही लोग ना बचें, सही कातिल ना बचे, सही क्रिमिनल जो है ना बच पाए और सच्चाई बाहर आए। ये आखिर इतनी एक्सप्लाइटेशन किस लिए और काहे हुई, क्यों हुई, किस लिए की गई, ये बात सामने आनी जरूरी है। अगर कश्मीर में 2009 में ननान और परजाई का दोनों का अगर उनका रेप और मर्डर केस बनने के बाद और उसकी CBI इंक्वायरी हो सकती है, हम जो जानना चाहते हैं इतने चिल्ला चिल्ला के उस चीज़ को उठाया था CBI के लिए, आपको क्यों CBI पे उस समय यकीन था, आज क्यों CBI में यकीन नहीं है भाई, दिस इज द क्वेश्चन। हमारा सीधा मकसद है जो डोगरा सम्मान की रैली 20 को जो हमारे जम्मू के लोग इकट्ठे होकर सारे करने जा रहे हैं 20 तारीख को, एक तरफ लखनपुर से शुरू होगी, दूसरी तरफ पलामवाला से जोड़िया अखनूर पंचारी चनैनी उधमपुर रामनगर रामबन
कठुआ सांबा हीरानगर सारी जो यानी 37 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दे विल पार्टिसिपेट और ये उस बच्ची को इंसाफ मिले सीबीआई के जरिए मिले ये सीधी सी बात है। इसके लिए हम सारे लोगों ने प्लान किया है सारे लोगों ने अच्छा प्रोग्राम रखा है उसके बाद नेक्स्ट प्लान करेंगे जब तक सीबीआई ना होगी वी विल फाइट और इसके लिए लड़ाई रहेगी जम्मू के डोगराज के साथ जो जायती इन्होंने की है हमारे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की है इस केस में वी विल नेवर टॉलरेट वी आर यूनाइटेड आज भी हैं कल भी रहेंगे और इनका जवाब देंगे और ये जवाब इनको मिलकर रहेगा। मैं सब लोगों को कहूँगा किसी की मजाल नहीं कि जाके देश विदेश में हमें कहेंगे कि प्रो रेपिस्ट डोगरा प्रो प्रो क्रिमिनल डोगरा ये बात हमें दुख दे रही है तकलीफ दे रही है इसके लिए वेर फाइटिंग रहेगी रहेंगे रहेंगे।